रविवार के दिन लखनऊ में अरविंद कुमार त्रिपाठी उर्फ गुड्डू पूर्व सदस्य विधानसभा परिषद अपने आवास श्रृंगार नगर आलमबाग में हीरो कॉप की तरह से हेलमेट और जैकेट 500 युवाओं को भेंट किया गया। आत्मनिर्भर जागरूक अभियान भारत के युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। हम सब लोग ये हेलमेट जैकेट वितरण का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर 5000 हेलमेट बांटे जा चुके हैं। अहमदाबाद, बनारस, लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, ऐसे ही कर्म चलता रहेगा। हमारे क्षेत्र के युवाओं को विशेष रूप से प्रेरित करना है, जिनके माँ बाप बहुत बड़ी उम्मीद से बड़े सपने देखे होंगे और यहाँ तक पहुँच पाए हैं और सुरक्षित रहे, यही आवश्यक निर्देश है। आज आप कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कितना जागरूक है युवाओं के लिए हेलमेट और जैकेट? ये आत्मनिर्भर जागरूक भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। हम सब लोग ये हेलमेट और जैकेट वितरण का जो कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे अभी तक हम लोग 5000 बांट चुके हैं। अहमदाबाद, वाराणसी, आज लखनऊ, फिर गोरखपुर और अयोध्या, ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। और इसमें हमें हमारे क्षेत्र के युवाओं को विशेष रूप से प्रेरित करना है, जिनके माँ बाप बहुत बड़ी उम्मीदों से बड़े सपने देख के उन्हें यहाँ तक पहुँचा पाए हैं, सुरक्षित रहे, उनका जीवन सुरक्षित रहे, इसलिए हेलमेट आवश्यक है। कितना जागरूक है ये हेलमेट युवाओं के लिए? अब जो जागरूक है वो तो है, हम लोग भी उसके क्रम में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही काम कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हीरो कॉप और इंडियन एक्सप्रेस के सौजन्य से ये कार्यक्रम चल रहा है और ये निरंतर चलता रहे। हेलमेट तो बाइक में दो लोग बैठते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो मैं जो पीछे लोग बैठते हैं उनके लिए भी ये जरूरी है, जागरूक है, जरूरी है और उनको लगाना चाहिए। और मेरा सभी अभिभावकों से भी अपील है आपके माध्यम से कि अपने बच्चे को और खुद बगैर हेलमेट के बाइक पर सवार मत। ये हेलमेट कहाँ पर वितरण कर रहे हैं और किस जगह पर कर रहे हैं? कितने लोग आपने हेलमेट और जैकेट? जगह जगह लखनऊ में यहाँ से शुरू हुआ है और ये क्रम अलग अलग जगहों पर तय करके चलता रहे। और हेलमेट के साथ साथ आपने एक अच्छा काम किया है, युवाओं को ठंड में जैकेट देने का काम किया है, ये कितना और जागरूक है ये भी बताइए। ये हमारे जागरूक भारत की पहचान है, हमारे मोदी जी की परमादरणीय माननीय मोदी जी की प्रेरणा है, जिसे हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। युवाओं को क्या कहेंगे आज जो हेलमेट और जैकेट दिए, कितना जोश उनके अंदर? युवाओं को वास्तव में जोश है और मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो बगैर हेलमेट के बाहर न निकले, गाड़ी पे सवारी मत। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।